morning children, how are you all? Hope all are you fine and safe. Myself your math teacher. Today I am going to teach a math subject. In math subject I will teach next topic of lesson 1. आज मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊंगी children? आज मैं आप लोग को next topic पढ़ाऊंगी. But next topic start करने से पहले जो previous class में homework गया था वो आप लोग ने अपनी कॉपी में डन किया है, सारे चिल्ड्रन ने डन किया है. चलिए आप अपना होमवर्क हमारे होमवर्क से मैच करके देखिए, सेम टू सेम है कि नहीं. अगर कुछ मिस्टेक होगी तो इस वीडियो के हेल्प से आप लोग अपना होमवर्क फिर से करेक्ट करके अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा. ओके चिल्ड्रन, सो आप लोग का होमवर्क क्या गया था? फर्स्ट होमवर्क था कम्प्लीट द मिसिंग नंबर बाय बैक काउंटिंग. सेकेंड होमवर्क था लर्न एंड राइट द मल्टीप्लीकेशन टेबल्स ऑफ 4 and 5. 4 एंड 5 की मल्टीप्लीकेशन टेबल तो सब लोग ने अपनी कॉपी में लिख भी लिया होगा और लर्न भी हो गया होगा और अपने मम्मी पापा को सब लोग ने सुना भी दिया होगा. फर्स्ट होमवर्क को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. आप अपना होमवर्क हमारे होमवर्क से मैच कर लीजिएगा. ओके चिल्ड्रन, तो फर्स्ट होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है 331 330 329 --. यहाँ पे आप लोग को क्या करना था? यहाँ पे आपको नंबर फिल करना था. कौन सा नंबर फिल करना था? बैक काउंटिंग मतलब उल्टी गिनती. तो मैंने आप लोग को क्लास वर्क में बताया था ना कल, तो उसी तरीके से आप लोग को होमवर्क भी डन करना था. तो सब लोग ने डन कर लिया है. चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग मिला भी लीजिएगा. तो 329 के पहले क्या आता है? 329 के पहले आता है 328 के पहले क्या आता है? 327 के पहले क्या आता है? 326. ओके चिल्ड्रन, अब क्या करना था? रीड करना था. 331 330 329 328 327 326. अब किधर से रीड करना था? एक बार इधर से रीड करना था. 326 327 328 329 330 331. इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से आप लोग का आंसर चेक होता है कि आप लोग ने सही राइट किया है कि गलत राइट किया. ओके चिल्ड्रन, सेकंड क्वेश्चन है 111 110 109 --. यहाँ पे फिल करना है बैक काउंटिंग. 109 के पहले क्या आता है? 108. 108 के पहले क्या आता है? 107. 107 के पहले क्या आता है? 106. अब क्या करना है? इसको रीड करना है. 111 110 109 108 107 106. अब इधर से रीड करना है. 106 107 108 109 110 111. एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है ना? इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था. ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन आप लोग का होमवर्क मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है. ये देखिए, आप अपना होमवर्क हमारे होमवर्क से मैच करके देख लीजिएगा. इफ अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप अपना आंसर फिर से करेक्ट करके अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा. ओके चिल्ड्रन, सो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे. देखते हैं आज हम आप लोग को कौन से टॉपिक पे क्लास वर्क कराएंगे और कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे. ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग लेसन 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. सो व्हाट इज द टॉपिक नेम? आज के टॉपिक का नेम क्या है? आज के टॉपिक का नेम है बिफोर बिटवीन आफ्टर. बिफोर बिटवीन आफ्टर मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया, आज मैं आप लोग को ये तीनों चीज पढ़ा के फिर से रिवाइज करा रही हूँ ताकि सारी चीजें आप लोग को दोबारा आने लगे जो चीजें आप लोग भूले होंगे. ओके चिल्ड्रन, सो सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? बिफोर पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग बिटवीन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आफ्टर पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बिफोर पढ़ेंगे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिफोर? बिफोर का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में बिफोर को क्या बोला जाता है? हिंदी में बिफोर को बोला जाता है पहले वाले नंबर को लिखना, मतलब पहले वाली गिनती. ओके चिल्ड्रन, जैसे कोई एग्जांपल में नंबर लिखा रहता है ना, तो उस नंबर के पहले कौन सा नंबर आता है यहाँ पे वो फिल किया जाता है. ओके चिल्ड्रन, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिया है ना मैंने नंबर्स. अब इसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, किसको पहचानते कैसे कि यहाँ पे बिफोर हो रहा है? इसको रिकॉग्नाइज इस तरीके किया जाता है, जहाँ पे पहले डैश होता है, जैसे कि इसमें देखिए है ना, पहले डैश होता है और बाद में नंबर होता है,
वहां पे आप लोग समझ जाया करिए कि वहां पे बिफोर हो रहा है। ओके चिल्ड्रन, मतलब 16 के पहले वाली गिनती लिखनी है, 95 के पहले वाली गिनती लिखनी है और 138 के पहले वाली गिनती लिखनी है। इसी को बोलते हैं बिफोर। बिफोर का मतलब होता है कि पहले वाली गिनती को लिखना। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 16। अब 16 के पहले क्या आता है, 16 के पहले आता है 15। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, 15। अब इसको रीड कर लेंगे, 15 16। रीड करने से क्या होता है, रीड करने से आप लोग को पता चल जाता है कि आप लोग ने आंसर राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है। ओके चिल्ड्रन, सेकंड क्वेश्चन है डैश 95, मतलब 95 के पहले कौन सी नंबर आती है, 95 के पहले कौन सा नंबर आता है, 95 के पहले आता है 94। अब इसको क्या करेंगे, रीड कर लेंगे, 94 95, एकदम करेक्ट आ रहा है ना। थर्ड क्वेश्चन है डैश 138 के पहले कौन सा नंबर आता है, 138 के पहले 137 आता है। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, 137। आप लोग हमेशा ये याद रखिएगा, जहां पे बिफोर आ जाएगा वहां पे आप लोग को क्या करना है, जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर के पहले वाली गिनती को फिल करना है। ओके चिल्ड्रन, अब इस नंबर को क्या करेंगे, अब इस नंबर को रीड करेंगे, 137 138। एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है ना, रीड करने से हमेशा आंसर करेक्ट होता है। अगर आप लोग आंसर लिखने के बाद उस नंबर को रीड करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आप राइट है कि रॉन्ग है। ओके चिल्ड्रन, सो हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक का नेम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक का नेम है बिटवीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिटवीन, बिटवीन को हम लोग क्या बोलते हैं, बिटवीन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीच वाली गिनती को भरना। समझ में आया, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है ना मैंने, उस एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि नंबर को कैसे फिल करते हैं और इसको पहचानते कैसे हैं कि यहाँ पे बीच वाली गिनती को फिल करेंगे। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे दो नंबर दिया है ना, एक नंबर इधर दिया है एक नंबर इधर दिया है, और ये दोनों नंबर के बीचों बीच में डैश है ना, जहाँ पे दो नंबर के बीचों बीच में डैश आ जाता है वहां पे आप लोग को समझ जाना है कि क्या करना है, बीच वाली गिनती को फिल करना, मतलब वहां पे बिटवीन होगा। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को बीच वाली गिनती को फिल करना है। ओके चिल्ड्रन, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 216-218। अब 216 और 218 के बीच में कौन सी गिनती आती है, चलिए रीड करिए, 216 217 218, जहां पे ये नंबर आ जाएगा वहां पे आप लोग को रुक जाना है, 218 पे रुक जाना है। अब 216 से लेकर 218 के बीचों बीच में कौन सी गिनती आई है, 217, तो आप लोग कहां फिल करेंगे, यहां फिल करेंगे 217। अब क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे, 216 217 218, एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है ना, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन है 695-697, इसमें क्या करना है, ये दोनों नंबर के बीच में कौन सी गिनती आती है उसको यहाँ पे फिल करना है। सो 695 और 697 के बीच में कौन सी गिनती आती है, चलिए रीड करिए, 695 696 697, कहाँ पे रुकना है, जहाँ पे ये नंबर लिखा रहेगा, तो 697 पे रुक गए। 695 और 697 के बीच में कौन सी गिनती आई है, 696, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, 696। समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन है 500-502, 500 और 502 के बीच में कौन सी गिनती आती है, चलिए रीड करिए, 500 501 502। अब 500 और 502 के बीच में कौन सी गिनती आ रही है, 501, तो कहाँ फिल करेंगे, यहाँ फिल करेंगे 501। अब क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे, 500 501 502। समझ में आया और एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है ना, इसी तरीके से बिटवीन किया जाता है। आप लोग हमेशा ये याद रखिएगा, जहाँ पे बिटवीन वर्ड्स आएगा वहां पे आप लोग को क्या करना रहेगा, बीच वाली गिनती को फिल करना है। दो नंबर दिए रहेंगे, वो दो नंबर के बीचों बीच में जो नंबर आता है वो नंबर को आप लोग को फिल करना है। ओके चिल्ड्रेन,
थर्ड टॉपिक है आफ्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर? आफ्टर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आफ्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाद वाली गिनती। क्या बोलते हैं? बाद वाली गिनती। और इसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं कि बाद वाली गिनती हो रही है? इसको रिकॉग्नाइज इस तरीके किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है। बाद अगर डैश आता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ नंबर लिखा है, नंबर के बाद डैश आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं चिल्ड्रेन बाद वाली गिनती। समझ में आया? मतलब ये नंबर के बाद वाली गिनती को फिल करना है। जहां पे आफ्टर आ जाएगा वहां पे आप लोग समझ जाइएगा कि नंबर के बाद वाले नंबर को फिल करना है, उसी को बोला जाता है आफ्टर। तो फर्स्ट एग्जांपल है 100। 100 के बाद क्या आता है चिल्ड्रन? 100 के बाद आता है 101। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? 101। अब इसको रीड करेंगे 100 101। एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है ना? वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन है 403 डैश। डैश इधर साइड आता है, इसी को बोला जाता है चिल्ड्रन आफ्टर। तो 403 के बाद कौन सी गिनती आती है? चलिए रीड करिए 403 404। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? 404। अब इसको रीड करेंगे 403 404। एकदम करेक्ट आ रहा है ना? थर्ड एग्जांपल है 719 डैश। 719 के बाद वाली गिनती को फिल करना। तो 719 के बाद क्या आता है? 720। अब क्या करेंगे? इसको रीड करेंगे 719 720। अब आप लोग को समझ में आया बिफोर बिटवीन आफ्टर? बिफोर में हम लोग नंबर को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि यहाँ पे बिफोर हो रहा है? बिफोर में हमेशा नंबर के पहले डैश लगा होता है, बिटवीन में दो नंबर के बीचों बीच में डैश लगा रहता है, और आफ्टर में नंबर के बाद में डैश लगा रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोग को एग्जांपल में समझाया है, इसी तरीके से आप लोग को ये याद रखना है। बिफोर होगा, बिफोर मतलब होता है पहले वाली गिनती को भरना है, बिटवीन का मतलब होता है बीच वाली गिनती को भरना है, और आफ्टर का मतलब होता है बाद वाली गिनती को भरना है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास वर्क पे, देखते हैं आज का क्लास वर्क क्या है। टॉपिक पे एग्जांपल समझाया है बिफोर बिटवीन आफ्टर, उसी टॉपिक पे आज हम आप लोग को क्लास वर्क कराएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है? क्लास वर्क मेंशन करना है, डेट डालना है 9/9/2020, हेडिंग डालना है राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया है, उसमें आप लोग को क्या फिल करना है? आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन। आप लोग को रिकॉग्नाइज करना आता है ना कि कहाँ पे आफ्टर होगा, कहाँ पे बिफोर होगा और कहाँ पे बिटवीन होगा, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया है। तो नंबर्स को आप लोग को एक के नीचे एक राइट करना है एकदम नीट एंड क्लीन वे में, फिर उसके बाद डन करना है। ओके चिल्ड्रन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 798 डैश। डैश इस साइड है, तो आप लोग बताइए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 798 के बाद वाली गिनती को लिखना है, मतलब कि यहाँ पे हो रहा है आफ्टर। तो 798 के बाद क्या आता है? 798 के बाद आता है 799। और मैंने आप लोग को बताया था ना कि 1 से लेकर 1000 तक न्यूमरस, मतलब गिनती आप लोग को एकदम अच्छे से लर्न करना है और आप लोग को एकदम अच्छे से आनी चाहिए, सबको आती है ना। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा भूलते हैं तो सब लोग अच्छे से लिखना और पढ़ना सीख लीजिए 1 से लेकर 1000 तक न्यूमरस, मतलब गिनती। ओके चिल्ड्रेन, अब इसको क्या करेंगे? रीड करेंगे 798 799। एकदम करेक्ट आंसर है ना? सेकंड क्वेश्चन है डैश 200। डैश इस साइड है, तो आप लोग को यहाँ पे क्या फिल करना है? यहाँ पे 200 के पहले वाली गिनती को फिल करना है, मतलब यहाँ पे बिफोर हो रहा है। तो 200 के पहले क्या आता है? 200 के पहले आता है 199। समझ में आया? अब इसको क्या करेंगे? रीड करेंगे 199 200। एकदम करेक्ट आंसर है ना? रीड करने से हमेशा आंसर करेक्ट रहता है। ओके चिल्ड्रेन, थर्ड क्वेश्चन है 512-514। अब आप लोग बताइए डैश यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या फिल होगा? यहाँ पे फिल होगा बीच वाली गिनती, मतलब कि बिटवीन हो रहा है यहाँ पे। तो 512 और 514 के बीच में कौन सी गिनती आती है? चलिए रीड करिए 512 513 514।
512 और 514 के बीच में क्या आ रहा है 513, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे 513। अब क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे 512, 513, 514। फोर्थ क्वेश्चन है 801 लिखा है और यहाँ पे डैश है, तो इसका मतलब हुआ कि 801 के बाद वाली गिनती को लिखना, तो 801 के बाद क्या आता है 802। समझ में आया, अब इसको रीड करेंगे 801 802। फिफ्थ क्वेश्चन है डैश 1000, डैश इस साइड है तो इसका मतलब क्या होता है 1000 के पहले वाली गिनती को फिल करना, तो 1000 के पहले क्या आता है 1000 के पहले आता है 999, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे 999। अब क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे 999 1000। एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है ना, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है 660-662, 660 और 662 के बीच में डैश है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच वाली गिनती को क्या करना है यहाँ पे फिल करना है, तो 660 और 662 के बीच में क्या आता है, चलिए रीड करिए 660 661 662, तो क्या आ रहा है चिल्ड्रन 661, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे 661। अब रीड करेंगे 660 661 662। अब आप लोग को समझ में आया कि हाउ टू डू आफ्टर बिफोर बिटवीन, कि आफ्टर बिफोर बिटवीन को कैसे किया जाता है, इसी तरीके से रिकॉग्नाइज करके किया जाता है। ओके चिल्ड्रन, आप लोग हमेशा ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने होमवर्क पे, देखते हैं आज का होमवर्क क्या है। सो चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को जिस टॉपिक पे क्लास वर्क कराया उसी टॉपिक पे आज हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, बट आप लोग का नंबर्स चेंज है जो कि आप लोग को खुद से डन करना है। ओके चिल्ड्रन, तो सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है, होमवर्क मेंशन करना है, डेट डालना है 9/9/2020, हेडिंग डालना है राइट द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन। यहाँ पे कुछ नंबर दिया है उसमें क्या फिल करना है, आफ्टर बिफोर बिटवीन को फिल करना है। ओके चिल्ड्रन, सेकेंड होमवर्क है लर्न एंड राइट द मल्टीप्लीकेशन टेबल्स फ्रॉम 6 to 10, 6 से लेकर 10 तक आप लोग को क्या करना है मल्टीप्लीकेशन टेबल को पहले लर्न करना है, फिर उसके बाद अपने कॉपी में डन करना है, मतलब 6 7 8 9 10 तक। ओके चिल्ड्रन, और जितनी भी वीडियोस आप लोग की जाती है वीडियो को देखने के बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाके अपना नेम क्लास सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि आप लोग की अटेंडेंस लगेगी, और जितनी भी चीजें आप लोग को पढ़ाई जाती है उसको डेली रिवाइज करिए, रिवाइज करने से ये होगा जितनी भी चीजें आप लोग पढ़ते हैं वो चीज आप लोग भूलेंगे नहीं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।